हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ शिका गुप्ता। आए दिन बहुत से दहेज के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि दहेज ना मिलने पर एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां लड़की की दहेज ना मिलने पर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिहार जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में आलापुर गांव में मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहित की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। आगे बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को मायके वालों को सौंप दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की के पिता ने लड़की का अंतिम संस्कार गुस्से में ससुराल वालों के घर के बाहर किया। जानकारी के आधार पर आक्रोशित मायके वालों ने शव को शमशान में ले जाने के बजाय ससुराल पहुंच गए और घर के दरवाजे पर अपनी बेटी की चिता सजाकर दाह संस्कार किया। यही नहीं, जबरन उसके पति से मुखाग्नि दिलवाई गई। इसके बाद मायके वालों ने पति समेत ससुराल के 6 सदस्यों पर दहेज हत्या की प्राथमिकी कराई है। पुलिस ने नवविवाहित के आयुर्वेद चिकित्सक पति मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी घर छोड़कर फरार है। आपको बता दें कि बताया गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सिवान जिले के थाना क्षेत्र के रामपुर सवाना गांव में निशा की शादी 27 फरवरी को मांझागढ़ थाना क्षेत्र के आलापुर गांव के एक डॉक्टर मुकेश कुमार से करवाई गई थी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।